विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही इटावा में भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी व्यापक तौर पर सक्रिय हो चले हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को लेकर के इटावा के जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति सिंह और एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के दिए गए निर्देशों का पालन करने के सभी को सख्त हिदायत दे दी है। वहीं अगर कोई चुनाव में बाधा डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में जो मतदान होने हैं उनमें इटावा जो ज़िला है उसकी 3 विधानसभाओं का जो निर्वाचन होना है, जो पोलिंग होनी है, वो एक ही दिन होनी है जो कि हमारा 20 फरवरी है। तृतीय चरण में इटावा ज़िले की 3 विधानसभाओं का मतदान होगा और तृतीय चरण का जो शेड्यूल है वो आपका जो अधिसूचना होगी वो 25 जनवरी को होगी, मंगलवार को, और जो नाम निर्देशन के लिए अंतिम जो डेट है वो 1 फरवरी है, पुनः मंगलवार है, और नाम निर्देशन की जांच के लिए जो स्क्रूटनी होती है वो 2 फरवरी को होगी और नाम निर्देशन वापसी हेतु जो अंतिम डेट है वो 4 फरवरी है। इसके बाद मतदान का दिनांक 20 फरवरी को होगा और मतगणना जो है वो सभी चरणों की एक साथ होते हुए 10 मार्च को होगी। और जो डेट जिसके पहले की सारा प्रक्रिया पूरी हो जानी है वो 12 मार्च है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।